आंदोलन की एंट्री हो चुकी है। अब तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे राकेश टिकैत महापंचायत करने बंगाल पहुंच गए हैं। शनिवार को राकेश टिकैत ने नंदीग्राम में किसान महापंचायत की। उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा और लोगों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की। उन्होंने सरकार पर उद्योगपतियों के हित में दबाव बनाने के आरोप लगाए। महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार को घेरा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को आड़े हाथों लिया। किसान नेताओं ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि सरकार प्रचार ज्यादा करती है, काम कम। बता दें कि किसान संगठन ने 26 मार्च को पूर्ण रूप से भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं 15 मार्च को कॉरपोरेट विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस व अन्य आवश्यक वस्तुओं के बड़े दामों के खिलाफ डीएम और एसडीएम को ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दिन देशभर में रेलवे स्टेशनों पर मजदूर संगठनों के साथ निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 17 मार्च को मजदूर संगठनों और अन्य जन अधिकारी संगठनों के साथ 26 मार्च को प्रस्तावित भारत बंद को सफल बनाने के लिए कन्वेंशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि 19 मार्च को मुजरा लहर को लहर का दिन मनाया जाएगा और एफसीआई और खेती बचाओ कार्यक्रम के तहत देश भर में मंडियों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर देश भर के नौजवान दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के धरने में शामिल होंगे। 28 मार्च को देश भर में अरे फिर कर देंगे, कोई ट्रैक्टर कोई किराए के आएंगे, वे ट्रैक्टर भी वही हैं, आदमी भी वही हैं। जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, अब की बार पार्लियामेंट पे नई मंडी खुल गई, वहां पूरा एमएसपी पे भाव बिकेगा। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे होगा। कान खोल कर दिल्ली सुन ले, जब भी अरे वो ट्रैक्टर को रोकता था कोई दिल्ली बाजार से ट्रैक्टर कौन रोकता था? जा गया दिल्ली में ट्रैक्टर फिर जाएंगे। अरे जिस दिन तय होंगे, जिस दिन तय करेगी कमेटी, संयुक्त मोर्चा जिस दिन तय करेगा, वे 3.5 लाख ट्रैक्टर भी वही है और 25 लाख आदमी भी वही है। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे फसल बेचने का होगा। पार्लियामेंट पे मंडी खुलगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेच लो, तो मतलब पार्लियामेंट की सबसे बढ़िया मंडी लगी। व्यापारी अंदर बैठा और किसान बाहर है, खरीद होगी पक्की।